हेलो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर हम पहले से डिस्कस कर रहे थे उसकी सेकंड एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम समझिएगा, लिखा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के शून्यक। जरा नाम से लग रहा है जीरो, शून्य, कुछ जीरो से मतलब है। जरा समझिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स प्लस वन, ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई बहुपद है, इसका नाम मैं दे दूं पी एक्स। नाम देना है मतलब इस एक्स का मतलब है ये एक्स के पदों में लिखा हुआ है, ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का रिश्तेदार है, इसलिए उसका नाम मैंने पी एक्स लिखा है। ठीक है, अगर मैं एक्स बराबर वन रख देता हूं यहां पर, तो यहां नाम तो पी वन हो जाएगा, यहां हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो यह है वन माइनस टू प्लस वन बराबर जीरो। इस मान ने क्या किया है, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद के वैल्यू को जीरो कर दिया है, इसलिए इसका शून्यक है। ये इसका क्या है, शून्यक है। ये इसका मूल भी है, मूल का मतलब इसकी वैल्यू है जो इसको संतुष्ट कर रही है, इसको जीरोस भी कहते हैं, इसको रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, रूट्स हम नाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये समीकरण नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। अगर ये इक्वेशन होता, इक्वल टू कुछ लिखा होता, तो इसका इक्वेशन नाम होता, तब ये वैल्यू इसकी होती। फिलहाल हम शून्य बोलेंगे, यानी एक्स की, अगर एक्स के टर्म में बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो एक्स की वैल्यू है, वाई के पद में है, जेड के पद में, जिसके टर्म में वो पॉलिनोमियल है उसकी वो वैल्यू जो इसको जीरो कर दे वो उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है, पहले इसकी वैल्यू निकाली गई है, कहाँ कहाँ जीरो आई है, नहीं आई है। तो एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा सावधानी से इसको सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा क्योंकि मेन प्रैक्टिस होती है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी सेकंड पॉइंट 2.2 एक्सरसाइज में डिस्कस करने जा रहा हूं, एनसीईआरटी की सेकंड पॉइंट 2.2 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिएगा, सावधान, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बहुपद लिखा है इन्होंने, इसका नाम हमने कहा कि उसका नाम हम पी एक्स दे देते हैं। यह है 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी ये x पर डिपेंड करता है, x की वैल्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो। पहला पार्ट कह रहे हैं फाइंड करो जब x का मान जीरो हो, तो यहां x को जीरो कर दो। तो x को जीरो करेंगे तो इसको यहां नाम दे देंगे पी जीरो, यहां x को रखो जीरो, तो क्या आएगा 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3। अब ये तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। फिर कह रहे हैं एक्स को माइनस 1 रखो, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखो, रखो उठा करके माइनस 1, तो यहां क्या आएगा, इसके इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणे का साइन होता है, तो आएगा 5 इंटू माइनस 1। ये दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, इंटू लगता है क्योंकि पॉइंट के बाद में ये ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, अगर मैं ना भी साइन लगाऊं तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस का 5 आएगा। देखो माइनस का जब वर्क करोगे तो आप जानते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, तो ये तो प्लस 1 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 प्लस 3, तो आएगा माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या आई माइनस 6। उसके बाद थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 रखो, एक्स की वैल्यू आप 2 रखो तो इसको नाम दे देंगे पी 2, 2 रखिए यहां पर, तो क्या आएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, इंटू को साइन लगा सकते हो चाहो तो, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 क्या होगा 10, 2 का स्क्वायर 4 जो 16, 16 आएगा प्लस 3, तो 10 3 13 होगा माइनस 16, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कभी कभी गलती हो भी जाती है, बहुत जल्दी भी लिखने में कभी कभी ऐसा होता है,
ये तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जरा सेकेंड क्वेश्चन तक देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे। देखिए पहले अपने आप खुद लगाइएगा, जब आपको लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ है तब आप करिएगा, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत इंटरनेट की जो है या यूट्यूब की या गूगल की एक दिक्कत है बच्चों के साथ, एक प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ में गूगल में भागते हैं, यूट्यूब में भागते हैं। पहले अपना माइंड सेट करो, होता क्या है 90% तो आप गूगल में चले गए, 10% अपना दिमाग लगाया, तो एग्जाम में 10% काम करता है दिमाग, 90% तो काम नहीं कर रहा, इसलिए अपने आप लगाइए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक बहुपद में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करिए। जरा पहला पार्ट देखिएगा, ये y का फंक्शन है, ये y का रिश्तेदार है, फंक्शन का मतलब रिश्तेदार, सरल भाषा में बड़े क्लास में इसको बताया जाएगा, y² - y + 1। तो कह रहे P0 निकालो, पहले P0 निकालो, यानी y की जगह 0 रख दो, तो ये 0 - 0 + 1 वैल्यू क्या आएगी 1। फिर कह रहे P1 निकालो, तो y की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1 वैल्यू क्या आएगी 1। फिर कह रहे P2 निकालो, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4 - 2 + 1 बोले तो 5 - 2 = 3। तो इस प्रकार से अब ये नहीं कहना ये 5 कैसे आया, ये प्लस माइनस आपको आता होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन है टी का रिश्तेदार है, तो इसका नाम दे दो PT, इसका है 2 + t + 2t² - t³। तो कह रहे हैं P0 निकालो, तो 0 किसकी जगह रखेंगे टी की जगह, तो ये बचेगा 2 + 0 + 0 - 0 वैल्यू क्या आएगी 2। फिर कह रहे हैं P1 निकालो, टी की जगह 1 रख दो, तो क्या आएगा 2 + 1 + 1² - 1 - 2 - 2 - 1 क्या आएगा 2 × 2 = 4 = 1 यानी कि 4। फिर कह रहे हैं P2 निकालो, टी को 2 रख दो, तो ये आएगा 2 + t² - 2 = 2 देखो t² है तो +2 और t² मतलब 2² - 2³। तो क्या आएगा 2 + 2 2 × 4 × 8 + 8 - 8 ये 8 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें लिखा px = x³। तो पहले कह रहे हैं P0 निकालो, x रखो 0 तो 0 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं P1 निकालो, तो यहां 1³ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर P2 निकालो, यहां 2³ यानी कि 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, इसका वो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फोर्थ पार्ट देखिए, px = (x-1) (x+1) तो कह रहे हैं P0 निकालो, x को रखो 0, तो आएगा 0 - 1 × 0 + 1 इसको खोलेंगे तो आएगा -1 × +1 यानी कि -1 आ गया। फिर कह रहे हैं P1 निकालो, यानी x के 1 रखो, तो क्या आएगा 1 - 1 (1+1) तो 1 - 1 हो गया 0, ये (2) दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो 0 आएगा। फिर कह रहे हैं P2 निकालो, x को 2 रखो, तो 2 - 1 (2+1) ये 1 आएगा, (3) आएगा, वैल्यू क्या आ गई 3। बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ये आप जानते हैं ऐसा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बता रहा है, पहले अपने आप लगाइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था शून्यक, x की वो वैल्यू जो किसी टर्म को जीरो कर दे, किसी पॉलीनोमियल को बहुपद को जीरो कर दे। इन्होंने कहा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित
स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए पहला पार्ट ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, थर्ड का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, एक बहुपद दिया है px, px इज इक्वल टू दिया गया है 3x+1 और x का मान दिया गया है -1/3। पहले क्वेश्चन समझिएगा, अभी मैं x की वैल्यू रख करके वैल्यू निकाल रहा था, ठीक है। ये कह रहे हैं ये जो x की वैल्यू है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, शून्यक जीरोस। हमने क्या कहा, जो वैल्यू इसको जीरो कर दे, तो आप x का मान यहां रख दो -1/3, रखो 3 की जगह 3 × -1/3+1, ये 3 कट जाएगा तो आएगा -1+1, ये जीरो आ गया, तो आप लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। ये सब में नहीं लिखूंगा मैं, सो x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ px, जो नहीं होगा उसमें नॉट लिख देंगे, नहीं है, है या नहीं है, बस एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और सब अपने आप लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, px बराबर 5x-5, px इज इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट है, 5x-5 और x की वैल्यू दी है 4/5, रखो यहां पर, तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5-π, तो ये कट गया 4-π, ये जीरो के बराबर नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इसका शून्यक नहीं है, लिखेंगे ये x की जो वैल्यू है 4/5 वो इसका शून्यक नहीं है, इट इज नॉट जीरो, ठीक है। इसके बाद ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जहां जीरो आएगा लिखेंगे इसका शून्यक है, इट इज द जीरोस, और नहीं आएगा लिखेंगे नॉट जीरो, बस लैंग्वेज हम समय नहीं लिख रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में जो px की वैल्यू है वो है x²-1, ये है आपका बहुपद, ये है आपका पॉलिनोमियल, और x की वैल्यू है +1 और -1, दो मान दिए गए, रख रहा हूं, एक बार मैं 1 लिखता हूं तो आएगा 1² - 1, बोले तो 1 - 1, बोले तो 0। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 आ गई, अभी हमने क्या कहा, अगर x की वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 आती है तो उसका जीरोज है, उसका शून्यक है, तो आप लिखेंगे इट इज द शून्य, इट इज द जीरोस। जब -1 रखेंगे तो आएगा -1² - 1, और चूंकि -1² फिर +1 होगा तो भी 0 आ गया, तो आप लिखेंगे x1 और -1 दोनों इसके शून्यक होंगे, दे बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत सारे पार्ट है इसमें दिया है, px इज इक्वल टू x-1, x+1, x-2 और x की वैल्यू दी है -1 और 2, x की वैल्यू दी है -1 और 2, तो एक बार x को -1 रखो तो क्या आएगा p-1, यहां रखोगे तो आएगा -1+1 एक ब्रैकेट में और -1 - 2 एक ब्रैकेट में, ये 0 आ गया, ये -3 आ गया, ये 0 हो गया, तो चूंकि x की वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस बहुपद की वैल्यू 0 आ गई, अतः यह इसका शून्यक है। एक बार x को 2 रखते हैं p2, तो क्या आएगा 2+1 एक ब्रैकेट में और 2-2 एक ब्रैकेट में, ये आ गया 3, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी इसका शून्यक है, इट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करिए, 6 देखिए आप, 5 में डायरेक्ट 0 रख देना है, वो 0 x² लिखा है, x को रखोगे 0 तो 0 आ ही जाएगा। देखिए px = lx+m, px = lx+m और x का मान दिया है -m/l, x की वैल्यू दी है -m/l, अब जरा यहां x का मान रखो -m/l, देखिए
एल और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एल लिखेंगे इंटू माइनस एम अपान एल लिखेंगे प्लस एम लिखेंगे, ये एल एल कट गया तो आ गया माइनस एम प्लस एम, ये कट जाएंगे जीरो आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, अतः या इसका एक शून्यक है क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रिचार्ज कर लें, बिना रिचार्ज के भूखा रह जाता है। तब तक अगला पार्ट आप करिए, देखिए सेवेंथ पार्ट अपने आप करिए, एक्स की दो वैल्यू दी है उनको चेक कर लीजिएगा, सेवेंथ देख लीजिए। अच्छा, क्योंकि रूट वगैरह दिया है, आप सोचेंगे अच्छा बेटा रूट वाली वैल्यू हमको दिए दे रहे हैं और डायरेक्ट वन टू थ्री को रखना अपना लगाए दे रहे हैं। देखिए सेवेंथ पार्ट क्या है, पी एक्स इज गिवेन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो एक्स की वैल्यू है एक माइनस वन बाई रूट थ्री है, और एक वैल्यू आपकी है टू बाई रूट थ्री। अब हम पहले पहली वैल्यू रख के देख रहे हैं माइनस वन बाई रूट थ्री, रखो यहां पर देखो थ्री और ये वन माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन थ्री, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वन बाई थ्री आएगा, ये कट जाएगा वन माइनस वन, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, और जीरो आ जाती है तो क्या होता है उसका, वो शून्यक होता है, जीरोज होता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू टू बाई रूट थ्री, तो आएगा थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री इंटू ये स्क्वायर करो फोर बाई थ्री, थ्री थ्री कट गया, फोर माइनस वन बराबर थ्री, ये जीरो के बराबर नहीं आया तो आप लिखेंगे इसका जीरोस नहीं है। अच्छा एट्थ पार्ट तो कर लो भाई अपने आप। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहले इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, रोकिए, अपने आप क्वेश्चन लगाइए, लगाने के बाद आप उसको तब चेक करिए, ऐसा नहीं होता है कि आप उतारते चले जाओ। ठीक है, और बहुत तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बस कहें ठीक है हमको आ गया, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सावधान, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू दी हुई थी और कहा गया था कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, ये बताओ इसका जीरो है कि नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, उन्होंने कहा वो एक्स की वैल्यू बताओ जो इसका शून्यक हो, यहां पर एक्स की वैल्यू दी थी, यहां पर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग कब्स इन द केसेस, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। जरा समझिएगा, बहुत इजी बात है, पहला पार्ट देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है आपका एक्स प्लस फाइव। अब जरा समझिएगा, आपसे क्या कहा गया है, एक्स की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे, तो आप पी एक्स को अपने आप जीरो कर दो, कर दिया तो यानी एक्स प्लस फाइव को अपने आप जीरो कर दो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस फाइव, बस यही आपका शून्यक हो गया। भाई हमसे कहा गया एक्स की वो वैल्यू जो किसी भी बहुपद को जीरो कर दे, पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, तो मैं उस बहुपद को ही जीरो कर दूंगा, और जो वैल्यू आएगी हम कहेंगे वही एक्स की वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कहा गया है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इसी में चेक कर लेते हैं क्योंकि इसी का रिश्तेदार लग रहा है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव, तो इसको जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू प्लस फाइव हो जाएगी, ये इसका बहुपद हो गया। थर्ड कहा गया है टू एक्स प्लस फाइव, अब थर्ड पार्ट भी इसी में देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव, तो इसके लिए पी एक्स को जीरो करो यानी टू एक्स प्लस फाइव को जीरो करो। अब यहां से एक्स का मान निकालो, अलजेब्रा आपने एट्थ वगैरह में पढ़ी होगी, क्या तरीका होता है, जब मुझे एक्स निकालना होता है तो एक्स लिखते हैं, उसका गुणांक कोफिशिएंट लिखते हैं और फाइव को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक्स निकालना है तो माइनस फाइव उधर है और टू का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसका शून्यक हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने आप करिए, फिफ्थ पार्ट अपने आप करिए, जीरो कर दो अपने आप, सिक्स पार्ट देखिए, अच्छा फोर्थ देख लीजिएगा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स दिया गया है थ्री एक्स माइनस टू, अब आप पी एक्स को अपने आप क्या करेंगे
जीरो कर देंगे, यानी कि 3x माइनस 2 को जीरो कर देंगे, यानी कि यहाँ से 3x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। x का मान क्या निकलेगा, 2/3। ये x की वैल्यू है जो इस बहुपद को जीरो करेगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 3x। अब आपने कहा कि px को रख दो जीरो, ये मान लेते हैं, माना हमने, माना है ये, लेट सब में माना लिख देंगे, यानी हमने क्या किया है, 3x को जीरो किया है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये x का मान आ गया जो इसका शून्य है। सिक्स पार्ट अपने आप करिए, सेवेंथ पार्ट देखिए, यहां लिखे दे रहे हैं। सेवेंथ पार्ट क्या कर रहा है, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। इधर देखिए जरा, इसमें थोड़ा सा बोर्ड हल्का सा कटा हुआ है। देखिए सेवेंथ पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, और कह रहा सी जीरो नहीं है, और ये जो c और d है ये दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो आप x का मान निकालो, तो क्या करोगे, px को आप जीरो कर दो, लेट मान लो, माना यानी cx प्लस d को जीरो कर दीजिएगा, तो cx बराबर माइनस डी, एक्स का मान आएगा माइनस डी अपान सी। तो इस प्रकार से ये शून्य निकल के आएंगे, जीरो निकल के आएंगे। तो ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज है, इसी क्वेश्चन लगा लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।